Hi friends, welcome to my channel. Are you somebody who's holding back one of your best pictures and videos to put on a social media account like Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp just because but you don't have a nice caption to write below? Is it right? But no worry, in this lesson we are going to look at some interesting and useful social media caption. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज कैप्शन। अब हम ये देखते हैं कि कैप्शंस क्या होते हैं। थिंक अबाउट इट, जब भी आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं और इसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन यानी शॉर्ट नोट लिखना चाहते हैं जो कि ये बता सके कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, तो उसके लिए जो हम एक शॉर्ट नोट लिखते हैं इसको हम कहते हैं कैप्शंस, जो कि हैशटैग से पहले लिखे जाते हैं किसी भी फ़ोटो या वीडियो के नीचे। अब हम इस वीडियो में कुछ ऐसे कैप्शंस को देखेंगे जो कि हम डिफरेंट अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, जिससे हमारी पोस्ट एक बेटर लुक दे सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कैप्शन है, नो फिल्टर या आई वोक अप लाइक दिस। थिंक अबाउट इट, जैसे कि आपने कोई पिक्चर क्लिक की है विदाउट मेकअप या रैंडमली अगर आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं जिसमें आप कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं करते या कोई भी मेकअप वगैरह यूज़ नहीं किया जाता, तो उस पिक्चर के लिए हम उसके लिए जो पोस्ट कैप्शन लिख सकते हैं नो फिल्टर या आई वोक अप लाइक दिस। द नेक्स्ट वन वी हैव इन द लिस्ट एंड वन ऑफ माई फेवरेट कैप्शन ऑन फ्लिक, इसका मतलब होता है एक परफेक्ट पिक्चर। फॉर इंस्टेंस आपने डिफरेंट पिक्चर्स क्लिक की हैं जिसमें से कुछ ऐसी पिक्चर्स सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि एक पॉइंट पर हो, उसमें आपका बैकग्राउंड, आपका हेयर स्टाइल, आपकी लुक एक परफेक्ट हो और ऑन पॉइंट हो, तो उस पोस्ट के लिए या उस पिक्चर के लिए आप ये कैप्शन यूज़ कर सकते हैं ऑन फ्लिक। द नेक्स्ट वन वी हैव इन द लिस्ट OOTD, इट्स मीन आउटफिट ऑफ द डे। फॉर इंस्टेंस आप किसी ऑफिस में हैं या स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग और आप अपनी डे की एक ऐसी पिक्चर क्लिक करते हैं जो कि एक परफेक्ट हो और एक नाइस लुक दे रही हो, तो उसको जब आप पोस्ट करेंगे तो उसके नीचे आप ये कैप्शन लिख सकते हैं OOTD, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल कैप्शन फॉर एनी। द नेक्स्ट वन YOLO, YOLO, इट्स मीन यू ओनली लिव वंस। इसका मतलब होता है कि आपके पास कुछ ऐसी अलग अलग पिक्चर्स हैं यानी आपके कुछ मेमोरीज़ हैं, फॉर इंस्टेंस आपके फ्रेंड्स के साथ आपके कुछ ऐसी ट्रैवलिंग की पिक्चर्स हों या फिर कुछ ऐसे नेचुरल सीन या कुछ ऐसी जगहें जो आप विज़िट करना चाहते हैं या ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं, तो उन सबको जब आप सिलेक्ट करके पोस्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप ये कैप्शन लिख सकते हैं YOLO, यानी कि यू ओनली लिव। द नेक्स्ट वन इन्फ्लुएंसर लाइफ, ये कैप्शन हम उस सिचुएशन में यूज़ करेंगे जब आप एक एज अ सोशल फिगर या सोशल वर्कर काम कर रही हों और आपकी एक टफ़ डे रूटीन हो और उसमें आप कुछ ऐसी अपनी डेली लाइफ की कुछ ऐसे पिक्चर्स या वीडियोस डेली अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करना चाहते हों और लोगों को ये बताना चाहते हों कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, यानी कि एक सोशल वर्कर की लाइफ कैसी होती है, उसमें से जब आप कुछ पिक्चर्स ऐसी सिलेक्ट करके उनको पोस्ट करती हैं तो उसके नीचे आप ये कैप्शन लिख सकते हैं इन्फ्लुएंसर लाइफ। या तो आप एक सोशल वर्कर हैं या बनना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड आपके पास अगर कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो कि ये बताना चाह रही हूँ कि एक सोशल वर्कर की लाइफ कैसी होती है, तो उसके लिए हम ये कैप्शन यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंसर लाइफ। इस वीडियो लेसन में हमने कुछ इंटरेस्टिंग और सिंपल कैप्शंस को देखा है जो कि हम अलग अलग सिचुएशन में अपनी पोस्ट को एक बेटर लुक देने के लिए लगा सकते हैं जिससे कि हमारी पोस्ट एक ट्रेंडिंग या इंटरेस्टिंग लगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट ऑल दीज कैप्शंस सो यू कैन यूज़ इन योर डेली पोस्ट।